नमस्कार साथियों, मित्रों, महाभारत के युद्ध के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारकापुरी में लौटे तो माता रुक्मिणी ने रोष में आकर भगवान से पूछा, हे प्रभु, युद्ध में बाकी सब तो ठीक था, लेकिन आपने द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म जैसे धर्म परायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया? ये सुनकर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, ये सही है कि उन दोनों ने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया। तो रुक्मिणी जी कहने लगी, वो कौन से पाप थे? तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब यह दोनों भी वहां उपस्थित थे। बड़े होने के नाते ये दुशासन को रोक भी सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके इस एक पाप से बाकी सभी पुण्य छोटे पड़ गए। तब माता रुक्मिणी ने कहा, और कर्ण, वो तो अपनी दान वीरता के लिए प्रसिद्ध था, कोई उसके द्वार से खाली नहीं लौटता, उसकी मृत्यु में आपने क्यों सहयोग किया? तो उसकी क्या गलती थी? तो भगवान कृष्ण ने बताया, हे प्रिय, तुम सत्य कह रही हो, वो अपनी दान वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था और उसने कभी किसी को ना नहीं कहा, लेकिन जब अभिमन्यु सभी युद्ध वीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में घायल हुआ भूमि पर पड़ा था, तो उसने कर्ण से पानी मांगा। कर्ण जहां खड़ा था उसके पास पानी का एक गड्ढा था, लेकिन कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया, इसलिए उसका जीवन भर दान वीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मारा गया। तो हे रुक्मिणी, अक्सर ऐसा ही होता है, जब मनुष्य के आसपास कुछ गलत हो रहा होता है और वे कुछ नहीं करते, वे सोचते हैं इस पाप के भागी हम नहीं हैं। अगर वे मदद करने की स्थिति में नहीं हैं, तो सत्य बात बोल तो सकते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकते। वे मदद करने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन वे ऐसा भी नहीं करते। ऐसा न करने से वे भी उस पाप के उतने ही हिस्सेदार हो जाते हैं जितना कि पाप करने वाला होता है। मित्रों, जीवन में पुण्य कितने ही कमा लो, लेकिन कभी कभी कोई एक ऐसा पाप हो जाता है जो हमारे सभी पुण्यों पर भारी पड़ जाता है। मित्रों, इस कथा के अनुसार नारी की लाज और प्यासे को पानी, ये दो अपराध ऐसे हैं जो जीवन भर किए हुए पुण्यों पर भारी पड़ जाते हैं। तो मित्रों, याद रखिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रों, ये बात सही है, यदि गलत हो रहा है तो आवाज उठाइए, यदि आपके ऊपर गलत हो रहा है तो आवाज उठाइए, यदि आप गलत होते हुए देख रहे हैं तो भी आपको बोलना चाहिए। मित्रों, यदि किसी कारणवश आप नहीं बोल पा रहे हैं तो भी कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही, जिसे आप ढूंढिए और उस व्यक्ति की मदद करिए। साथियों, ये कथा आपको कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और
भक्ति में कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।